हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने कर दिया। शोर शराबा करके आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। देश के लिए मर मिटने का जुनून। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इंच इंच जमीन के लिए लड़ने का जुनून। कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा। जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। वंशवाद, करप्शन, ड्रग, आतंकवाद पर एक्शन का जुनून। जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। संगठन को साधने में माहिर, जिसके सियासी दांवपेच अचूक हैं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग, जिसकी रणनीति कभी फेल नहीं होती। 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय, जिसके नाम दर्ज है 370 से लेकर अंग्रेजी कानून तक से आजादी दिलाने का कीर्तिमान, उस शख्सियत को कहते हैं अमित शाह। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। मतभेद मनभेद की राजनीति से जुदा, जिसका अपना अलग राजनीतिक शास्त्र है, अलग रणनीति है, वो निडर हैं, बेखौफ हैं, और किसी भी राजनेता का ये सबसे बड़ा गुण है। धारा 370-35A हो या श्री राम मंदिर का निर्माण या 3 तलाक, आपने कभी अमित शाह जी को बैकफुट पे खेलते हुए नहीं दिखा होगा। जो देश के लिए सही है उसे धरातल पर उतारने से वो कभी घबराते नहीं। देश के इतिहास का दूसरा ऐसा गृह मंत्री जिसके फैसलों ने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को तंग करके रख दिया। जम्मू कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर, ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर। अंदाज ऐसा कि सबसे जुदा, भाषण शैली ऐसी कि कोई दूजा कर ही न सके, शब्दों पर तगड़ी पकड़, लफ्जों में तीखी धार, जिसकी रणनीति ही सबसे बड़ा हथियार। मुझे लगता है कि उनकी भाषण शैली बहुत फैक्चुअल है, टू द पॉइंट है। उनके किसी भी भाषण को लेकर कभी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है फैक्ट्स और फिगर्स को लेके। सियासत में उतरे तो 40 साल में एक भी शिकस्त न खाई, एक भी चुनाव नहीं हारे, बीजेपी की कमान संभाली तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय से राजस्थान के रेगिस्तान तक, हर हिस्से को भगवा रंग में रंग दिया। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था, और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। मुश्किल जंग जीतने का हुनर जिसे आता है, जिसके लिए हर चुनौती एक नई बिसात है, धारदार मोर्चेबंदी और शानदार रणनीति के मास्टर, सियासत का बाजीगर। 2014 के बीजेपी की महाविजय के मास्टर अमित शाह को जीत का दूसरा नाम कहा जाता है। अब उन्हीं शाह के कंधों पर है 2024 में चमत्कारिक इतिहास लिखने की जिम्मेदारी। लेकिन कैसे ये संभव हुआ? कितनी मेहनत, कौन सी रणनीति, कौन से फैक्टर्स थे जिनकी बदौलत अमित शाह को तमगा मिला चाणक्य का? आज के व्यक्ति विशेष में इसी पर होगी बात। आज बात होगी बीजेपी के बाजीगर अमित शाह के मैनेजमेंट की, उनके राष्ट्रवाद की, उनके आध्यात्म की, उनके प्रशासनिक कौशल की। तो बने रहिए न्यूज 18 के साथ। कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी है। राम का चरित्र और राम
ये देश के जनमानस का प्राण है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? चिंतन, मंथन और विचारधारा, यथार्थवाद और व्यावहारिकता, इन शब्दों के मायने भले ही आपको गंभीर लगे, लेकिन जब चाणक्य नीति का आप अध्ययन करेंगे तो सारा सारांश एक खास शख्सियत के आसपास पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, जिसमें आज सियासत के चाणक्य यानी अमित शाह की बात होगी। मुकद्दर को मुट्ठी में करके राजनीति में उतारने वाली वो शख्सियत जिनका नाम हिंदुस्तान की सियासत के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा, बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले, देश से जुड़े मसलों पर कड़े फैसले लेने वाले अमित शाह अगली पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। धारा 370, CAA, उग्रवादियों से शांति समझौते जैसे तमाम ऐसे मुद्दे जो अमित शाह के गृहमंत्री रहते ही संभव हो पाए, कैसे, देखिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने कर। हिंदुस्तान का ऐतिहासिक दिन, देश के गृह मंत्री अमित शाह हर दिन की तरह संसद की ओर बढ़ रहे थे, हाथ में दो पन्नों की फाइल और चेहरे पर एक रहस्यमयी भाव। तब तक संसद के अंदर बैठे किसी भी शख्स को ये अंदाजा न था कि आज क्या होने वाला है। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तभी अमित शाह के इस ऐलान के फौरन बाद पूरी दुनिया में सिर्फ 3 शब्द गूगल पर सर्च किए जा रहे थे, एक धारा 370, दूसरा अमित शाह और तीसरा कश्मीर, क्योंकि अमित शाह ने वो कर दिखाया था जो इतिहास में कभी किसी ने करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। वो निडर हैं, बेखौफ हैं, और किसी भी राजनेता का ये सबसे बड़ा गुण है। धारा 370 35A हो या श्री राम मंदिर का निर्माण या 3 तलाक, आपने कभी अमित शाह जी को बैकफुट पे खेलते हुए नहीं दिखा होगा। जो देश के लिए सही है उसे धरातल पर उतारने से वो कभी घबराते नहीं। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में जनजातीय समाज के साथ जो दशकों से लंबित शांति समझौते चले आ रहे थे उनको परिणाम तक ले जाना, ये सब बिना श्री राम की प्रेरणा और उनकी कृपा के संभव ही नहीं था। कश्मीर पर इस ऐतिहासिक फैसले से पहले अमित शाह को चाणक्य के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन उनके इस इकलौते फैसले ने उन्हें इतिहास के उन नेताओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के PAK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अमित शाह का व्यक्तित्व दृढ़ फैसलों वाला रहा है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनके अंदर देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। दल से ऊपर देश, अगर ये धारणा मोदी के बाद कोई आत्मसात करता है तो वो है अमित शाह। 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसकी अंदरूनी मामले भी इंटरनेशनल मुद्दे बन जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपीय यूनियन देशों के मुद्दे हों।
यानी भारत जैसे विशाल विविधता से भरे देश का गृह विभाग संभालना, वो भी नाम के लिए नहीं, ऐतिहासिक काम के लिए, ये अपने आप में एक बेहद संवेदनशील और चुनौती भरा काम है। India's internal security is not internal security. We are a continental security. Our security implicates world. You know, it's like European security. European security is like 20, you know, EU is 28, 27 countries. So, India is a little bigger. So you know, Europe mein unka between countries kya hota hai is a global issue. Yeah. Hamara bhi global. अमित शाह का व्यक्तित्व जितना शानदार है, उनकी रणनीति उतनी ही दमदार धारदार है। वो जब भी बोलते हैं, विरोधियों में सन्नाटा पसर जाता है। उनके किसी भी बयान पर कभी बड़ा विवाद हुआ हो, ऐसा देखने को नहीं मिला। वजह ये क्योंकि वो नपे तुले शब्दों का भाषण में इस्तेमाल करते हैं, जो फैक्ट्स और फिगर्स से भरे होते हैं। मुझे लगता है कि उनकी भाषण शैली बहुत फैक्चुअल है, टू द पॉइंट है, और अपने हर क्रिटिक को भी वो अपने तरीके से जवाब देते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे एक इंसिडेंट ध्यान में आता है, वो पार्लियामेंट में मणिपुर के विषय पर उन्होंने बोला और लगभग 50-55 मिनट उन्होंने बोला। अमित शाह का जो भाषण था वो मणिपुर के बारे में हर फैक्ट को बता रहा था कि सरकार ने क्या करा है, क्या हो सकता है, क्यों हुआ है। इसके अलावा 370 पे अमित शाह का ऐतिहासिक भाषण हो, वो बताता है, वो दर्शाता है कि अमित शाह सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, जब वो चुनाव लड़ते हैं, एक तो उनका सबसे बड़ा है कि उनको माना जाता है वो चाणक्य है, लेकिन अमित शाह का एक और चेहरा है, वो है फैक्ट्स और फिगर्स वाला। देश में कई दफा ऐसे मौके आए जब बागियों, विद्रोहियों, नाराज लोगों को मनाने की बात आई, तो शाह नीति ही काम आई। उल्फा के साथ 40 साल बाद शांति समझौता हुआ, उल्फा के 700 शस्त्र विद्रोहियों ने हथियार डाले। उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है, और आसाम की मैं बात करूं तो 85% आसाम में से अब सपा को हटाया जा रहा है। पूरब में शांति का सूरज उगा तो उसके पीछे भी शाह ही थे। इसके अलावा भी शाह की रणनीतिक जीत ही है कि 9 शांति समझौते कराने में वे सफल रहे हैं, जिसमें ANVC समझौता 2014, NLFT ST समझौता साल 2019 में हुआ, ब्रू समझौता साल 2020 में हुआ, बोडो समझौता साल 2020 में हुआ, कार्बी समझौता साल 2021 में हुआ, आदिवासी शांति समझौता 2022 में हुआ, DNLA समझौता 2023 में हुआ, असम मेघालय अंतर्राज्य सीमा समझौता 2022 में हुआ, असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौता साल 2023 में हुआ। अमित शाह की ये रणनीति उन लोगों को झूठा करार देती है जो जीरो टॉलरेंस और एग्रेशन एक्शन को ही शाह का हथियार मानते हैं। सच तो ये है कि विकास बाद और सबसे बाद में आघात, क्योंकि अमित शाह कोई भी ऐसा समझौता पसंद नहीं करते जो देश के खिलाफ हो। You know, everyone talks about strong man, muscular approach, zero tolerance. He also spoke about it. Yeah. But if you read his speech, he was very clear. We will give development. Second, infrastructure and investments. Number three, let's go and do deals. You know, let's negotiate. Let's agree. Let's create agreements with everyone who has problems with us. And only fourth was the muscular zero tolerance approach to picking up the gun or terror and stuff. Amit Shah sirf siyasat nahi karte, wo desh se prem karte hain. Jab jab desh ki baat aati hai, to seena thok kar desh par mitne ki baat karte hain. Ke Jammu and Kashmir ke PKO ko aap Bharat ka hissa nahi mante ho kya? Aggressive na ho, jaan de denge iske liye. Kya baat kar rahe ho aap? Aggressive hone ki kya baat kar rahe ho? अमित शाह ने जब केंद्र में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली, तभी से देश ऐतिहासिक बदलावों का गवाह बना। शाह ने उन मुद्दों, उन मसलों को डंके की चोट पर हल किया जिनके जिक्र से भी कांग्रेस डर जाया करती थी। धारा 370, CAA, NRC,
आईपीसी में बदलाव, ड्रग नेक्सस का खात्मा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अमित शाह जैसे सशक्त गृह मंत्री के बिना कोई भी निर्णय संभव ही नहीं हो पाता। चुनाव आते हैं तो उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपकी पार्टी करती है। भाई एक मिनट रुक जाओ, 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। जी, धारा 370 हटी, कौन सा चुनाव था भाई? राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटा, कौन सा चुनाव था? हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने कहा। 90 के दशक में बीजेपी की सियासत राम मंदिर के सहारे आगे बढ़ी थी। बीजेपी के वरिष्ठों ने देश से जो वादा किया था, नई पीढ़ी यानी मोदी और शाह की जोड़ी उस वादे पर अमल भी कर रही है। राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है। शाह के गृह मंत्री रहते जब राम मंदिर पर फैसला आया तो कहीं कोई मसला नहीं बना। यानी अनन्य आध्यात्मिक शख्सियत जिनकी शक्ति का केंद्र भी उनका आध्यात्म ही है। अमित शाह जी बहुत गहराई से जानते हैं, उनके शब्दों को देख लीजिए, उनके आचरण को देख लीजिए, आपको हर जगह राम से सीखे हुए कुछ सबक, कुछ पाठ मिल जाएंगे। जैसे भगवान राम कभी विचलित नहीं हुए, मैंने अमित जी को भी कभी कभी विचलित होते हुए नहीं देखा। बड़ी बड़ी बाधाओं के आगे वो अविचल खड़े रहते हैं। तमाम गतिरोध, प्रतिरोध और विरोध के बावजूद बीजेपी का पूरे देश में विस्तार करना, सब बिना श्री राम की प्रेरणा और उनकी कृपा के संभव नहीं। साल 2024 का चुनावी शंखनाद भी मोदी और शाह के लिए एक नया चैलेंज है। बस फर्क इतना है कि इस बार इस जोड़ी के सामने विपक्ष नहीं बल्कि अपना ही 2019 का रिकॉर्ड है जिसे तोड़कर अब की बार 400 पार के नारे को साकार करना है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस सपने को साकार करने के लिए अमित शाह सियासत के शतरंज में अपनी चालें चलना शुरू कर चुके हैं। चाहे नीतीश कुमार हो, जयंत चौधरी या महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, ये सब अमित शाह की रणनीतिक विजय है जिस पर जनता के वोट की मुहर लगना बस बाकी है। रिपोर्ट न्यूज 18। अमित शाह ने गुजरात बीजेपी के साथ अपनी सियासी पारी की शुरुआत की और देखते ही देखते अपनी रणनीति से नरेंद्र मोदी को सत्ता का सिकंदर बना दिया। 2014 लोकसभा के चुनाव में जब शाह को यूपी की जिम्मेदारी मिली तो नतीजे देखकर दुनिया दंग रह गई। उसके बाद जब बीजेपी की कमान संभाली तो पार्टी को उस ऐतिहासिक ऊंचाई पर लेकर गए जहां विपक्ष के लिए उन्हें छू पाना भी मुश्किल हो गया। शाह ने संगठन को इस तरह संवारा कि देश से कांग्रेस का जनाधार निचले स्तर पर चला गया। 71% आबादी को भगवा रंग में रंगने वाले अमित शाह वो नाम बन गए जो न कभी हारते हैं न कभी थकते हैं। लेकिन यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या है वो शाह नीति जो राजनीति के छात्रों के सिर के ऊपर से गुजरती है और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? ये 10 साल भारत के विकास के 10 साल रहे। विजेता जब इतिहास लिखते हैं तो वर्तमान उनका स्वागत कुछ ऐसे ही करता है। उम्मीद और जोश भरी मुट्ठियों से गुलाब बरसते हैं, उत्साह से लबरेज गलों से फूटते हैं विजय के बुलंद बोल। दिल्ली के अशोका रोड पर बंगला नंबर 11 कई साल से ऐसे ही उत्सवों का गवाह बन रहा है और हो भी क्यों ना, देश का सबसे बड़ा सियासी चेहरा नरेंद्र मोदी और देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह यहीं से देश की सबसे बड़ी पार्टी को चला रहे हैं। भारत माता की। दिल्ली दरबार में बड़ी सियासी हस्तियों की दौड़ जहां आकर खत्म हो जाती है, जहां विपक्ष की हर रणनीति, हर प्लानिंग जाकर दम तोड़ देती है,
वहां से शुरू होता है इस अजेय जोड़ी का जिक्र। पार्टी के चाणक्य भी कह रहे थे, शोर कम मचाते हैं काम ज्यादा करते हैं, इसका प्रमाण हम पिछले दशक भर में देख रहे हैं। यानी सियासत की वो अभिजीत अजेय अद्वितीय जोड़ी का एक चेहरा जिसे पूरी दुनिया अमित शाह के नाम से जानती है। अमित शाह को खास बनाता है उनका कुशल मैनेजमेंट, प्रखर राष्ट्रवाद, बेहतर प्रबंधन और अनन्य आध्यात्मिकता। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी इन्हीं खूबियों ने बीजेपी को एक ऐसा चेहरा दिया जिसके बिना प्रधानमंत्री मोदी के अश्वमेघ के घोड़े को पूरे देश की दौड़ लगाना मुश्किल हो जाता। 2014 में जब अमित शाह आए तो जो पहला काम उन्होंने किया, उन्होंने भाजपा में, देखिए भाजपा का संगठन तो था ही, उसको उसमें तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं था। तो वो आए, उन्होंने अपने ऐसे छत्रपों का, ऐसे सेनानायकों का चयन किया जिन्होंने उनको काम करके दिया। ये पहली बात होती है कि आप अपनी टीम कैसे चुनते हैं, तो अमित शाह ने वो टीम चुनकर दी, ये असल काम था उनका, उन्होंने ये किया। और 2014 में उन्होंने भाजपा को एक युद्ध लड़ने वाली यूनिट के तौर पर बदला। यूं तो अमित शाह का सियासी सफर बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन हमारी कहानी 2014 से आगे बढ़ी। जब देश में जनभावना कांग्रेस के खिलाफ जा रही थी, करप्शन, जातिवाद, काला धन के मुद्दे पर सत्ता में कुछ ऐसी शक्तियां काबिज थीं जिनसे टकराना मोदी शाह के लिए आसान न था, तब अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के सारथी की तरह कमान संभाली, जिनके नतीजे आए। और नतीजे आए तो अमित शाह ने अपनी पहली परीक्षा अव्वल नंबरों से पास की। मोदी के केवल सारथी बनकर के नहीं आए थे, बल्कि कुशल रणनीतिकार बनकर के आए थे। और उनको जिम्मेदारी दी गई थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की क्यों? 80 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें, सबसे बड़ा राज्य। और अमित शाह ने पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे किया, एक एक सीट को पूरी तरीके से उसका आकलन किया। और आकलन करने के बाद नतीजे क्या आए, जहां अखिलेश थे, जहां कांग्रेस थी, जहां मायावती थी, उन सबके सामने भारतीय जनता पार्टी को 71 सीट। और इसके बाद तो अमित शाह की रणनीति का लोहा पूरा भारत मानने लगा। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? कैसे बीजेपी शाह को कमान देकर पूरे देश को भगवा रंग में रंगती चली गई? इसके पीछे भी एक कहानी है। अमित शाह के बारे में एक बात खूब कही जाती है, वो बूथ स्तर पर जाकर काम करते हैं, चुनाव में तगड़ा मैनेजमेंट करते हैं, संगठन के तमाम गैप्स को भरने के लिए अमित शाह पूरे भारत के जिलों का दौरा करते रहे, हर जिले के कार्यकर्ताओं से मिले, उनकी शिकायतों को सुना। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि यही बूथ मैनेजमेंट का चमत्कार था कि कम मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती गई। और इसी शाह नीति के दम पर बीजेपी 400 पार का दम भर रही है। 400 पार का हमें लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य भारत के लक्ष्यावधि बूथ के कार्यकर्ताओं के बगैर हो ही नहीं सकता। मतलब अभी 400 पर मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज की तारीख में भाजपा विपक्ष से बहुत बहुत आगे है। ये जो सारी चीजें दिखाई देती हैं, कभी अमित शाह सामने आते हैं, कभी वो पीछे होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष जो चाबी लगाई जा रही है, जो मेहनत कराई जा रही है, वो अमित शाह ही करा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को ही ले लीजिए, चेहरा नरेंद्र मोदी बने और जीत सुनिश्चित करने का मैनेजमेंट संभालने वाले रणनीतिकार थे अमित शाह। नतीजे आए तो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से शब्द लिखा गया, वो था शाह नीति, यानी हिंदुस्तान की सियासत का वो विजय मंत्र जिसे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने कंठस्थ कर
यूथ से बूथ तक वोट में बदल दिया। माहौल इस तरीके से गुजरात का बना दिया गया था कि भाजपा इस बार गिर गई है, लेकिन भाजपा गिरी नहीं थी। भाजपा के जो रणनीतिकार हैं अमित शाह, उन्होंने जमीनी स्तर पर, अब आप देखिए ना, जो गुजरात में बड़ा आंदोलन खड़े करने वाले लोग थे वो बीजेपी के साथ खड़े रहे, तो फिर 2022 में कैसे 154 सीटें नहीं आती? आएंगी, निश्चित तौर पर आएंगी। ये कुशल रणनीतिकार अमित शाह को यूं ही नहीं कहा जा रहा। ये तो हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को अपना भाई मानते हैं। संसद में कई बार प्रधानमंत्री उन्हें अमित भाई कहकर संबोधित कर चुके हैं, लेकिन ये कम ही लोग जानते होंगे कि मोदी शाह की जोड़ी ही जीत की गारंटी है। कैसे, वो भी समझ लीजिए। श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। डबल स्पीड, डबल पावर से देश को आगे ले जाने का संकल्प है। एक के बिना दूसरा मुझे अधूरा सा लगता है। चलने को तो चलते हैं एक पांव से भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मुझे इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि 2024 में अगर मोदी और शाह की जोड़ी वापस आई, जो कि जरूर आएगी, तो भारतवर्ष को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। माइक्रो मैनेजमेंट अमित शाह का वो स्टाइल है जो उन्हें सीधा बूथ स्तर तक जोड़ता है, जिसका मकसद उस जन समाज को पोलिंग बूथ तक लाना है जो पोलिंग करने नहीं पहुंचते। इस तरह ये जोड़ी सियासत की अजेय जोड़ी बन जाती है। अमित शाह ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी चुनाव आसानी से नहीं जीता जा सकता, इसलिए बूथ मैनेजमेंट के नाम पर चुनाव से कुछ दिन पहले हर जिले में, हर बूथ में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलना, उनकी शिकायतों पर अमल करना शुरू से ही उनकी सियासत का हिस्सा है। मैं अमित शाह के साथ कर्नाटक के चुनाव में था, और 12 घंटे 24 घंटे जो एक नेता के साथ रहते थे, तो एक कार्यकर्ता ने खाना भेजा, और फ्लाइट में उनकी खाना वैसे भी था, हेलीकॉप्टर में खाना वैसे भी था, तो उन्होंने बोला ये मेरा कार्यकर्ता मुझे खाना दे के गया है, तो मैं इस खाने को ज़रूर ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अमित शाह तो खाएगा ही खाएगा। तो ये बताता है कि उनकी संगठन शक्ति क्या है। मुझे लगता है कि वो संगठन पे सिर्फ काम नहीं करते, उस संगठन को, उस संगठन की शक्ति को महसूस भी करते हैं। वो उनको थोड़ा जिसे कहते हैं और नेताओं से अलग लीग में डाल देता है। अमित शाह जब बीजेपी अध्यक्ष थे तो कई ऐसे काम किए जो पार्टी को ऐतिहासिक ऊंचाई पर लेकर गए। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए कोर ग्रुप को सक्रिय किया, मिशन मोड में प्रवास किए, क्षेत्रीय बैठकें की, नियमित कार्यकारिणी की बैठकें ली, जिला कार्यालयों का निर्माण कराया, नया और आधुनिक बीजेपी दफ्तर बनवाया, प्रशिक्षण अभियान चलाए गए। यानी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल को सबसे हाईटेक और सबसे एक्टिव बनाने के पीछे अमित शाह का हाथ है। अमित शाह बेसिकली संगठन के व्यक्ति हैं, और उनकी संगठन पर तो पकड़ है ही है। उनका जो प्रशासनिक तरीका है, यानी जो जिस तरह से, जिस फोर्सफुली और जिस अधिकार पूर्वक वो अपना काम करते हैं और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं, उससे किसी के मन में कोई दुविधा नहीं होती है। वो जब जब जीतते हैं नया इतिहास लिखते हैं, लेकिन जब जब शिकस्त मिलती है, तजुर्बे और तकदीर को चुनौती मिलती है, शाह तब तब तस्वीर बदलने की जिद ठाने सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। इतिहास गवाह है, सियासत में अमित शाह के तजुर्बे को जब जब चैलेंज मिला, मुद्दे बदल जाते हैं, चुनावी फिजा बदल जाती है, अमित शाह की भूमिका बदल जाती है, और चुनावी नतीजे बदल जाते हैं। 1983 में सियासी सफर शुरू करने वाले शाह का सियासी करियर अभी बुलंदियों पर है, लेकिन एक लंबी उड़ान अभी बाकी है। 2024 का इम्तिहान अभी बाकी है। कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।